तो हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, न्यू ब्लॉग में मैं कार ड्राइव करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फटाफट से आपको चलते हैं, कार कैसे चलाते हैं, गाँव में कार कैसे चलाता है, चलते फटाफट से आपको दिखाते हैं कैसे चलाते हैं, कैसे चलते हैं, कमेंट करो जो बताना है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अपने ननू के पास जैसे जाएंगे, उसके बाद अलावा खोलेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे, आपको थोड़ी जानकारी भी देंगे अंदर बैठने के बाद कि कैसे पहले चालू क्लच दबाना होता, किससे गियर लगाना होता, क्या करना होता, थोड़ी जानकारी देंगे। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, उसके बाद आपको फ्रेंड्स हम कार में बैठ चुके हैं। आज पहली बार इस कार को ड्राइव करेंगे और आपको जानकारी देंगे कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चलाते हैं। उसके बाद आपको बता दें फ्रेंड्स, जो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं और आपको बताएं कि जो कार ड्राइव करेंगे और एकदम आराम लेकर चलेंगे और आपको कैसे गियर लगाना है, कैसे क्लच दबाना है, कैसे क्या करना है, आप वीडियो में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, दिखाते हैं। चलते वापस चलते हैं, ताइए लगाते हैं। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर गाड़ी को क्लच दबाएंगे। क्लच दबाने के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद एक गाड़ी को गाड़ी ऑन करेंगे। यहाँ वो वाइपर ऑटोमेटिक सब बैठकर गाड़ी में थोड़ा हीट फेंक देते हैं, वाइपर चल रहा है। और ताली ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते फिर कट करेंगे, फिर ऑन करेंगे। यहाँ पर देख फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों चीज़ देख सकते हैं। इसी तीनों पर निर्भर करता है गाड़ी को चलाना, भगाना, रोकना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसी पर आपको पहले बताएंगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, जो ये पहला जो वाला दिख रहा है आपको, ए से एक्सीलेटर हो गया, बी से ब्रेक हो गया, सी से क्लच हो गया, ए बी सी। अब जिस गाड़ी में बैठेंगे तो इसी देखेंगे तो ए बी सी की तरह से रहेगा, ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच। तो फ्रेंड्स गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक का काम करना पड़ता है, ब्रेक का गाड़ी भगाने के लिए एक्सीलेटर काम करता है, ऐसी गाड़ी को क्लच दबा के गियर छुड़ाना और होता है, पहला दूसरा गियर लगाना होता है, इसका काम क्लच का होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसी तीनों पर निर्भर करता है गाड़ी भगाना, रोकना, चलाना। और दूसरी बात आपको बता दें, जो साइड शीशा मिरर होता है, जो यहाँ पर साइड जो देखते गाड़ी चलाते हैं उसका होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों साइड देखेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद गाड़ी को हम धीरे धीरे एक नंबर में उभारेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहला गियर जो भी है क्लच दबाने के, पूरा क्लच दबा लेंगे अच्छी तरीके से। पूरा क्लच दबाने के बाद अच्छी तरीके से तब पहला जो गियर है गाड़ी का हम गियर चेंज करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी को हम लेके चल देंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, क्लच दबाते हैं अच्छी तरीके से, पूरे क्लच दबा के पहला लगाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सुनसान रोड पर चला रहे हैं, उसके बाद लेके चलेंगे आपको सीधे अच्छे खासे रोड लेके चलेंगे, वहाँ का सीन दिखाएंगे आपको। और देख सकते हैं कितनी स्लोली स्लोली यहाँ पर चल रहे हैं, देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स जी भी हम देख सकते हैं काफ़ी स्लो स्लो हम गाड़ी को चला रहे हैं और देखो अच्छे से काफ़ी मूल भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सिंगल रोड है, बहुत काफ़ी ख़राब है, बरसात भी हुआ है, चौचक बरसात हुआ है, इसलिए गाड़ी को हम धीरे ड्राइव कर रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और